लाई हूँ आपके लिए पनीर की बाटी, यानी कि पनीर की लिट्टी भी बोल सकते हैं। और चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। देखिए हमने 200 ग्राम पनीर ले रखी हूँ और चॉप किए हुए छोटे छोटे प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, और 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और थोड़े से अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, और मैं 2 कप आटा ले रखी हूँ बनाने के लिए। चलिए चलते हैं बनाने के लिए। देखिए अब इस तरीके से मोटे मोटे की तरफ मैं कद्दूकस कर लेती हूँ सारे पनीर को। देखिए हमने सारे पनीर को कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसमें चॉप किए हुए प्याज डाल दूंगी और हरी मिर्च और अदरक भिजा हुआ छोटा टुकड़ा। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, आप वो तो इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। देखिए मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच चाट मसाले, इससे आपके बाटी के स्वाद बिल्कुल ही लजीज टेस्टी बन के तैयार होंगे। नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, और रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर। अब सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। मैं 2 कप आटा ले रखी हूँ, आप कोई भी कटोरी से नाप सकते हैं, मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ जिस हिसाब से आपका भरने के लिए है। मैं अजवाइन ले रखी हूँ, इसको क्रश करके तब डालूंगी इस तरीके से। अब इसमें डालूंगी नमक, आप ये ध्यान रखो कि पनीर में भी नमक है इसलिए थोड़ा सा ही नमक डालूंगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालूंगी अच्छे से, मैं इसको अच्छे से मिक्स करके मिला लूंगी। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंथ लूंगी। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे इस तरीके से, अच्छे से मसल के गूंथ लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट गूंथ के तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ा सा तेल लगा के गूंथ दूंगी अच्छे से, फिर 10 मिनट के लिए रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए। देखिए इस तरीके से ढक के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। चलिए 10 मिनट हो गया है, चलते हैं बाटी बनाने की तरफ। सबसे पहले मैं सूखा आटा लगाऊंगी हाथ में, आप तेल घी भी लगा सकते हैं इस तरीके से, आपको जितना बड़ा छोटा करना हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। इतना बड़ा लेके सूखा आटा लगा के इस तरीके से बना देंगे। देखिए इस तरीके से कटोरी जैसा बना दूंगी। अब इसमें जो मैंने पनीर का मिक्सचर बना के रखा है इसमें इस तरीके से भर दूंगी। देखिए इस तरीके से दबाते हुए देखिए ऐसे
इसका हम बंद कर देंगे और इस हाथ से इस तरीके से करते हुए मैं एक्स्ट्रा जो है इसे निकाल देती हूँ, बाकी वापस इस तरीके से करके रख देती हूँ। सारे बाटी इसी तरीके से बना लेती हूँ। देखिए हमने इतने सारे लिट्टी बना लिए हैं। देखिए दो साइज के लिट्टी लग रहे हैं आपको, बड़े साइज के और छोटे साइज के। इसे मैं बनाऊंगी बाजार जैसे अप्पे मेकर में। आपके पास हो तो बनाओ, नहीं दूसरा तरीका भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बताती हूँ आपको। चलिए चलते हैं बनाने की तरफ। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के अच्छे से ग्रीस कर लूंगी इस तरीके से। देखिए अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। मैं सारे बाटी को इस तरीके से रख देती हूँ। देखिए ऊपर से भी थोड़े थोड़े घी डाल देती हूँ, आप चाहो तो अभी डाल दो या तो पकने के बाद भी डाल सकते हो। थोड़े थोड़े लगा देती हूँ। इस तरीके से आप फटाफट बाटी लिट्टी आप बना सकते हो। बिहार का फेवरेट लिट्टी चोखा है, लेकिन मैं पनीर का बना रही हूँ इसलिए एक दिन आपके लिए लेके आऊंगी लिट्टी चोखा भी बिहार का। चलिए इसको मैं गैस पे चढ़ा देती हूँ इस तरीके से और ऐसे ढक देती हूँ। इसको मैं देखिए एक तरीका तो ओतना दूसरे गैस पे रख दिया है, एक तरीका कोई जाली हो आपके पास तो ऐसे रख दे और गैस पे आप फटाफट बना सकते हैं। देखिएगा दोनों साथ में रख रही हूँ, देखिए सबसे पहले कौन सा बाटी बनके तैयार होती है। इस तरीके से आप रख के बना सकते हैं। देखिए फटाफट बाटी सिकने लगी है, सबसे जल्दी इस पे ही हो जाएगा झटपट बनके तैयार। देखिए आप जब चाहो इस तरीके से फटाफट बना के खा सकते हो। देखिए अब अप्पे का दिखाते हैं आपको, देखते हैं इसको भी चला के। वाओ ये भी होने पकने लगी है। इस तरीके से आप इस तरीके से बना सकते हैं, फटाफट आपकी बाटी बनके तैयार हो जाएगी। आप चाहो तो थोड़ा सा घी लगा के आप कुकर में भी बना सकते हैं। यदि आपके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है गैस पे बनाना है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। देखिए ये बाटी पक्के तैयार होने हो रही है बिल्कुल। दो से तीन मिनट और लगेगा बाटी पक्के तैयार हो जाएगी। गैस को मैंने स्लो मीडियम पे कर रखा है, बिल्कुल ज्यादा हाई नहीं है, नहीं तो जल जाएगी। ऐसे ही दोनों मेकर अप्पे मेकर वाला भी इसी तरीके से है, ज्यादा हाई नहीं है, मीडियम पे ही है। देखिए अच्छे से बाटी बनके तैयार हो रही है। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सिक के तैयार हो गया है। देखिए दोनों बाटी साथ में ही तैयार हो जाएगा, सेकने वाला भी इसमें भी दोनों साथ में ही बनके तैयार हो जाएगी। आप इस बाटी को लंच में भी कर सकते हैं, डिनर में भी, ब्रेकफास्ट में भी, चटनी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। जैसे चाहो ऐसे आप जैसे आपको पसंद हो उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। गैस को मैंने हम कम पे कर दिया है क्योंकि बाटी मेरी बनके तैयार हो गई है। देखिए अच्छे से बाटी सिक के तैयार हो गई है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ। देखिए फर्स्ट क्लास चारों तरफ से सिक गई है।
देखिए इस तरीके से बाटी को घी में डुबो के अच्छे से देखिए बाटी की जान देसी घी ही है। आप इस तरीके से बनाइए और सर्व करिए, और जो भी आपको खाना है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से बनके तैयार है। फटाफट आप भी शुरू करिए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने दोस्तों को खिलाइए। चलिए मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, आप सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन भी दबाइएगा। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।